मुश्किलात ये आती हैं कि मीडिया में लड़कियों को सर्वाइव करना मुश्किल होता है, और अगर आप किसी की कॉल का वेट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर आप खुद कॉल करके कहते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए बुला लें या हमें आप ड्रामा में लें, हमें शूट्स दे दें, तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो जाता है। बिकॉज़ जब आपको काम होता है ना, तब लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, और जब अगले को काम होता है ना, तो वो फिर कहता है कि बंदा एक कॉल करके आया है, कॉल करवाई है हमने और प्रोटोकॉल से बुलवाया है, तो आप कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि हमेशा कॉल का वेट करें, ना कि आप कॉल करें, ताकि आपके साथ कोई मिसहैप ना हो, कोई मुश्किल आपको फेस ना करनी पड़े। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस भट्टी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मरियम इकराम। मरियम इकराम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इनके इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स हैं, इनके फेसबुक पे लाखों फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स होने के साथ साथ इनके मिलियंस में व्यूज़ भी हैं, और सबसे ख़ास बात इनके हवाले से ये है कि ये पाकिस्तान की मशहूर प्रैंक स्टार भी हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनके हवाले से जानते हैं वो बातें जो इनके फॉलोअर्स जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको सुनते हैं, वो जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। मरियम, प्रैंक स्टार हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कब स्टार्ट हुआ और किस तरह आप इस मीडिया लाइफ में आई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में? बेसिकली मैं काफ़ी अरसे से बैक कैमरा पे काम कर रही थी, और अचानक से शौक़ पड़ा कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा आना चाहिए, और कुछ लोगों ने मेरे साथ जो है उन्होंने मोटिवेट भी किया। तो मैंने जब इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई तो मैंने प्रैंक स्टार्ट किए, और प्रैंक्स मेरे बहुत लोगों ने पसंद किए, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किए। पाकिस्तान, इंडिया और बाहर की जितनी कंट्रीज़ हैं उसमें प्रैंक्स देखे गए, तो मेरे अंदर कुछ शौक़ ज़्यादा पैदा हुआ, तो फिर मैंने 2 साल हो गए ऐसे कंटिन्यू रखा हुआ। अच्छा, आपका एक प्रैंक बड़ा मशहूर था, गोलगप्पे वाला, ज़्यादा शौक है लोगों के आते हैं गोलगप्पे खाने का? बेसिकली वो एक प्रैंक था, और लोगों को तंग करने में मज़ा आता है, और लोगों की जो खट्टी मीठी बातें होती हैं और वो आगे से जो जवाब देते हैं उनके जवाब में से जवाब देना, उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो उस चीज़ को इंजॉय करने के लिए वो मैंने एक प्रैंक प्लान किया था कि मैं इस तरह से गोलगप्पे खाऊंगी और लोगों को तंग करूंगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ प्रैंक बनाते किसी ने आगे गुस्से से बोला होगा, यार क्या चवले मार रहे हो, क्या कर रहे हो आप? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, कभी नहीं बल्कि बहुत बार हुआ है कि आपको फ़ेस करना पड़ता है लोगों को, बट मैं फ़ेस करती हूँ और उन लोगों के साथ भी कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा पोलाइट हो जाए, अगर नहीं हो पाते तो उनको बताना पड़ता है कि ये प्रैंक है। मरियम इकराम वक्त कैसे गुजारती हैं? फेसबुक पे एक्टिव रहती हैं, इंस्टाग्राम पे रहती हैं, आपका जो वे ऑफ लाइफ है किस तरह? बेसिकली पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी प्लेटफॉर्म को, बिकॉज सोशल मीडिया मुझे यूज़ करना भी नहीं आता था, बट मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का शौक़ पड़ा, और जब मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स अपलोड करने से और आप एक्टिव रहते हैं और फेसबुक को भी यूज़ करने से आप एक्टिव रहते हैं, तो मैंने पेज बनाए अपने और वहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करना शुरू की, और लोगों की मोहब्बत मेरे साथ इतनी ज़्यादा थी कि मैंने फिर उसको कंटिन्यू ज़्यादा किया उसे, और डेली बेसिस पे पिक्चर्स, वीडियोज़, कॉन्टेंट ढूंढना, उनके लिए वीडियोज़ बनाती रही। तो मेरे ख्याल से 180 से ज़्यादा रेस्टोरेंट मैंने कवर किए हुए हैं और वहाँ के खाने खाए हुए हैं, और ये सिर्फ मैंने 3 महीनों के अंदर काम किया है, और बहुत अच्छा मुझे ये रिस्पांस लगा है, लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है, और खानों का मुझे एटलीस्ट पता चल गया कि कौन से रेस्टोरेंट का खाना खाना चाहिए कि पैसे की आपकी जो वैल्यू है वो नज़र आए। हम तो भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी किसी खाने में ले जाएँ और हम मुफ्ता खाएँ। मरियम, आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना है, मुस्तकबिल मरियम इकराम अपने आप को कहाँ देख रही हैं? मुझे एक शौक़ है कि मेरे नाम के साथ जो मेरे वालिद का नाम लगा हुआ है मरियम इकराम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे मरियम इकराम के नाम से जानते हैं। तो मेरा बेसिकली पैशन और मेरा एम ये है कि एक वक्त आए कि जो भी मुझे देखे वो कहे कि मरियम इकराम है। इसलिए मैं नए नए आइडियाज़ जनरेट करना चाहती हूँ, मैं नई नई स्टोरीज़ को सामने लेकर आना चाहती हूँ, ताकि लोग मुझसे मोहब्बत करें, मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े। मुझे किसी मीडिया चैनल पर नहीं आना, मुझे किसी ड्रामा में नहीं आना, किसी मूवी में नहीं आना, किसी चैनल पर नहीं आना, मुझे अपना एक नाम बनाना है, अपने वालिद के नाम को एक जगह देनी है कि उनका नाम कभी ख़त्म ना हो और मेरे नाम के आगे उनका नाम हमेशा रहे, और जो जाने वो मरियम इकराम को जाने। तो मरियम, हर इंसान में एक अच्छी चीज़ भी होती है और एक बुरी चीज़ भी होती है, आप में अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है? मेरे अंदर अच्छी चीज़ ये है कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, और बुरी चीज़ मेरे अंदर ये है कि मैं बहुत हाइपर हूँ, बहुत ज़्यादा हाइपर हूँ, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती और घर तक पहुँचा कर आती हूँ। अच्छा, यानी कि फुल बदमाश है, ये बच के रोए देता हूँ। अच्छा मरियम, शादी कब कर रही हो? इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स। विद इन 2 ईयर्स मरियम इकराम शादी कर रही हैं। अब जिस तरह आपने बताया कि अगर आपको ड्रामों में या किसी भी हवाले में आपको ऑफ़र होती है आप नहीं करेंगी,
तो क्या सोच नहीं, 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 मैं करूँगी बट मेरा शौक नहीं है कि अच्छा। मैं वहाँ तक पहुँचूँ। ऑफर आती है, अच्छी लगती है, ओके फाइन, बट मेरा एम नहीं है कि मैं वो ड्रामास करूँ, मैं मूवीज़ करूँ। मेरा एम ये है कि मैं जो करूँ अपने लिए और अपने पेज के लिए, अपने नाम के लिए करूँ, कहीं पर मेरा नाम ख़त्म ना हो जाए। मीडिया के हवाले से ना एक बड़ी बात है कि लड़कियों के लिए बड़ा यहाँ पे मुश्किल होता है मैनेज करना, तो अपने आप को किस तरह लेकर चल रही हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने तक? मुश्किलात ये आती हैं कि मीडिया में लड़कियों को सर्वाइव करना मुश्किल होता है, और अगर आप किसी की कॉल का वेट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर आप खुद कॉल करके कहते हैं कि हमें इंटरव्यू के लिए बुला लें, या हमें आप ड्रामा में लें, हमें शूट्स दे दें, तो ये आपके लिए बहुत बुरा हो जाता है। बिकॉज़ जब आपको काम होता है ना, तब लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, और जब अगले को काम होता है ना, तो वो फिर कहता है कि बंदा एक कॉल करके आया है, कॉल करवाई है हमने और प्रोटोकॉल से बुलवाया है, तो आप कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि हमेशा कॉल का वेट करें, ना कि आप कॉल करें, ताकि आपके साथ कोई मिसहैप ना हो, कोई मुश्किल आपको फेस ना करनी पड़े। मिसहैप और मिसयूज़ को कैसे डिफ़ाइन करती हैं आप? मिसहैप और मिसयूज़ को डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर उसमें ये हो जाता है कि लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है कि आप दोस्तियां करें, आप उनके साथ चैटिंग करें, आप उनके साथ उनकी हर कॉल्स उठाएं आप, और काम अगर आपको नहीं भी है, आपको फिर भी उनसे बात करनी पड़ेगी, तो इन चीज़ों को आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। और मिसहैप जो है वो यही, जाहिर सी बात है कि आप एक प्लेस जो है वहाँ पर बुला के आगे कोई जगह ही नहीं है, वो प्लेस पे कोई घर है या कोई इस तरह की जगह है जहाँ पे कोई और बंदा ही नहीं है, तो लड़कियाँ बेसिकली इन चक्करों में आ जाती हैं। और मेरे साथ भी 2012 में आई थिंक ये हुआ था, और मैं बहुत डर गई थी उस दिन के बाद, और आज का दिन है कि मैं अकेली कभी भी मीडिया में नहीं गई। लड़कियों को क्या सजेस्ट करती हैं जो मीडिया में आना चाहती हैं, जिनकी ख्वाहिश याद है कि मैं एंकर बनूँ, मैं ये बनूँ, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप? मैं उनसे यही कहूँगी, क्योंकि बहुत से लड़कियों के पेरेंट्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आप मीडिया में मत जाओ, ये बहुत गंदी फील्ड है। मैं अगर मैं उनके पेरेंट्स से कहूँगी कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, और बच्ची का फेम जो है वो बहुत अच्छा बना देती है, और अगर किसी का शौक है, उसके शौक को ख़त्म मत करें, मगर उस बच्ची को इस एहसास के साथ रहना चाहिए, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कि उसे कॉल का वेट करना चाहिए। अपना फेम, अपना नाम इतना बना चुके कि वो उसे कॉल आए और वो फिर जाए, अदरवाइज़ वो कॉल करेगी तो वो उसका मिसयूज़ होगा। तो आप वक्त का वेट करें, ना कि आप खुद जाकर कहें कि वक्त मैं ले आऊं, तो पहले आप कोई काम करें, उसके बाद फिर नाम लें। मतलब है कि आप शॉर्टकट्स की बात कर रही हैं, कि कुछ लड़कियां हमने इवन कि मैं खुद मीडिया में ने देखा है कि कोई एकदम ऊपर आ रही हैं, अभी मीडिया में एंटर ही होते हैं और एकदम उनका नाम बन जाता है, और कुछ सालों साल मेहनत करती रहेंगी, ऊपर नहीं आती, उसकी वजह क्या है? मैं कहती हूँ कि जो सालों साल मेहनत करती हैं वो बहुत अच्छी हैं, और जब आप शॉर्टकट लेती हैं तो वो फिर पता चलता है कि आप सुबह में शूटिंग करवा रहे हैं और शाम में आप किसी पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फेम हासिल करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। आपको ड्रामा में मेन रोल दिया जाता है, इवन कि आपका फेस भी नहीं है, या किसी मैगज़ीन में फ्रंट पेज पर लाया जाता है, आपका फेस नहीं है, दैट मीन्स कि जो पिछले 4-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं उन्हें फेम नहीं मिल रहा, मगर आपको वो फेम मिल रहा है जो अभी 2 महीने से आई है। तो वो लड़कियों को एक ट्रिक आ चुकी है कि आप जाकर मेन बंदे से मिलो तो आपको फेम मिल जाएगा, अदरवाइज़ हम जैसी जो है मेहनत कर करके थक जाती हूँ। मरियम इकराम ने यहाँ तक पहुँचने में किसकी सपोर्ट रही, फैमिली में सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया था आपको? फैमिली में सबसे ज़्यादा मेरे वालिद की सपोर्ट थी मुझे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है, खौफ जो होता है, वो वालिद का होता है। वालदा मेरी जो है 2012 में उनकी डेथ हो गई थी, और मैं फील्ड में ही उनकी डेथ के बाद आई थी, और जब वालिद साहब की मेरे साथ सपोर्ट थी तो उस पर ये था कि बाहर से जब कोई बंदा आकर कहता था कि आपकी बेटी ने ये कर दिया, तो वो आगे से कहते थे मुझे पता है, तो ये आपको बहुत अच्छी सपोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है कि वालिद साहब आपके पीछे खड़े हुए हैं, पिलर हैं आपका, और कोई भी बंदा किसी भी तरह की बात कर ले तो वो आपको इस चीज़ को फेस करने के लिए घर वालिद साहब बैठे हुए हैं, और वो उसे शट अप कॉल देते हैं कि भाई साहब मुझे पता है। मरियम इकराम, आप कंटेंट कैसा बनाती हैं कि लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, इवन के मिलियंस में आपके व्यूज़ होते हैं? अच्छा, ज़्यादा जो है वो फूड व्लॉग्स पे होते हैं, कि फूड में जितना लोगों को कैजुअल होकर बताती हूँ ना कि ये खाना इस तरह है, कि ये इस तरह का है, और इसमें क्या डल रहा है, और अंदर किचन में जाती हूँ, तो वो लोग बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। और सेकंड बात ये है कि मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे या मैं पर्सनल इशूज़ पर बात करती हूँ ना, लोगों के पर्सनल इशूज़ हों या फिर वैसे कुछ चल रहा हो और फैमिलीज़ के ऊपर बात की जाए, तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और मिलियंस में तो यूज वीडियो चली जाती है। मरियम इकराम ने कहा है कि मैं 2 साल तक शादी कर रही हूँ, किसी को पसंद करती हैं, कोई लाइफ में है या मुस्तकबिल में, क्या प्लान आगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पसंद करती हूँ और मेरी लाइफ में है, और इंशाल्लाह 2 साल बाद, 2 साल नहीं, 1-1.5 साल बाद आप सब मीडिया के सामने आ जाएगा। यानी कि जो उम्मीदवार हैं ना, जिनके फॉलोअर्स हैं, जो बड़ा पसंद करते हैं, वो सुन लें।
मरियम इकराम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और मैं चाहूँगा कि इख्तिताम भी यही करें, तो चलते हैं मरियम इकराम की तरफ। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और हारिस साहब को वैसे ही बहुत पसंद आई। कमेंट में ज़रूर बताना है कि